नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आकाश पठारिया ब्लॉग्स पर। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ खेत वाली बूढ़ी माता का मंदिर, जो कि इटारसी शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाँ दोस्तों, एक मंदिर जो बूढ़ी माता का है वो मालवीगंज में स्थित है, जिसे बंजारी माता या बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर में जो आपको दिखाने वाला हूँ, ये बहुत ही चमत्कारी और एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मंदिर पर। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए बताते हैं आपको आगे वीडियो। दोस्तों, आप यह मेरे सामने देख सकते हैं, श्री बूढ़ी माता मंदिर लिखा हुआ है। यह रास्ता खेत वाली बूढ़ी माता के मंदिर जाता है। यहाँ से सोमलवाड़ा 3 किलोमीटर है। और ये देख सकते हैं साइड में ईसान टाउन कॉलोनी बनी हुई है, जो कि अभी न्यू बन रही है। ये रोड सीधा इटारसी से आया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अग्रवाल कॉलेज बना हुआ है। सीधे अग्रवाल कॉलेज के सामने से आप जा सकते हैं। और ये वाला रोड जो है सीधा सनखड़ा गया हुआ है, आपको जाने के लिए इसी गेट से अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे। दोस्तों, हम मंदिर के सामने आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं सोमलवाड़ा 2 किलोमीटर यहाँ से। और ये देख सकते हैं 4-व्हीलर खड़ी हुई है। यहाँ पर रोज़ हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं माता के। ये देखिए, बहुत सारे भक्त बाहर खड़े हुए हैं। अब हम भी अंदर चलते हैं और कराते हैं आपको बूढ़ी माता के दर्शन। ये गेट दिख रहा है आपको, इसी गेट से हम अंदर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं। दोस्तों, मैं गेट के अंदर आ चुका हूँ। अब चलिए चलते हैं आगे और कराते हैं आपको बूढ़ी माता के दर्शन। तो चलिए चलते हैं अब आगे। दोस्तों, यहाँ से मंदिर का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको ले चलते हैं। जय बूढ़ी माता। दोस्तों, हम मंदिर आ चुके हैं, चलिए अब चलते हैं आगे। पहले आप नज़ारा देखिए दोस्तों, खेत वाली बूढ़ी माता का नज़ारा कितना अच्छा है। यहाँ पर अक्सर लोग भंडारा करवाते हैं, किसी की भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब लोग यहां पर भंडारा करवाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। यहां पर सुबह शाम भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। सुबह शाम यहां पर इटारसी शहर के बहुत सारे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं माता रानी के, और इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। चलिए चलते हैं अब अंदर मंदिर में और कराते हैं आपको बूढ़ी माता के दर्शन, खेत वाली बूढ़ी माता के। जय माता रानी। अगर आप इटारसी वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ये देखिए खेत वाली बूढ़ी माता की प्रतिमा। ऊपर भी बूढ़ी माता हैं और नीचे भी आप देख सकते हैं यह मूर्ति और यह मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। पंडित जी बैठे हुए हैं साइड में। चलिए दोस्तों, अब बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा कैसा है। अभी तो खेतों में कुछ फसल नहीं लगी हुई है, लेकिन अभी गेहूं की फसल जब जो साइड वाले खेतों में लग जाएगी तो यहां का नज़ारा दोस्तों इतना अच्छा होगा कि आप यहां एक बार आ जाएंगे तो आपका जाने का मन नहीं करेगा। ऐसा स्थान यह खेत वाली बूढ़ी माता का इटारसी मध्य प्रदेश में स्थित है। जय माता दी। चलते हैं, आपको पीछे से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, मंदिर के पीछे कैसा नज़ारा है ये देख सकते हैं आप।
और ये सीढ़ी बनी हुई है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं मंदिर के। वैसे मैं तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। दोस्तों इस टाइम मैं मंदिर में ही हूँ, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह मंदिर कैसा लग रहा है। और मैंने आपको अभी माँ के दर्शन कराए तो वो बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको खेत वाली बूढ़ी माता की मूर्ति कैसी लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लगता है दोस्तों, शहर से दूर शांतिपूर्ण यह मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों। बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आइए। चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको वीडियो में आगे। दोस्तों मैं बस आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इटारसी में रहने वाले हैं तो आप इस मंदिर में एक बार ज़रूर आइए। यह मंदिर इटारसी से 2 किलोमीटर की दूरी पर सनखेड़ा रोड पर पड़ता है, और इस मंदिर पर आने के लिए आपको सोमलवाड़ा रोड पकड़ना पड़ेगा, जो कि आपने पहले देखा होगा, मैंने आपको प्रवेश द्वार यहाँ का दिखाया था, उसके द्वारा आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे धान की खेती हो रखी है पीछे। अभी मंदिर का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। जय माँ तेरा वाली। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पुराना कुआं बना हुआ है, इसको जाली से ढक दिया है ताकि कोई इसमें गिरे ना। और यह हेडपम्प बना हुआ है, इस पर आप हाथ पैर धो सकते हैं और अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बूढ़ी माता।